आप सभी का एक और नई पेशकश एक और नए इंटरव्यू में। आज हमारे साथ प्रेजेंट है एक और नए एल्यूमिनी श्री शीनो थॉमस सर, जिन्होंने उनके फाइनल ईयर में उनके डिपार्टमेंट से टॉप किया था कॉलेज में, और फिर बाकी का इंटरव्यू इंट्रोडक्शन वो खुद देंगे। सर हाय, मैं शीनो थॉमस, मैं 2020 पास आउट बैच का हूँ। I was top in my class in my civil department. So I'm thanks for the USU that providing me to for interview and seeing my thoughts. Thanks. Thank you, sir. Sir, welcome है आपका UEC News की तरफ से, on the behalf of UEC News. तो चलिए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल यह रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, नहीं मैं पूछने जा रहा हूँ, what was your preparation or the medium you used for your college exam? जब आप कॉलेज में मिड सेम या एंड सेम एग्जाम के लिए आप क्या मीडियम यूज करते हो? बेसिकली इसका आंसर मैं दो तरीके से दे सकता हूँ। पहला आंसर बहुत घिसी-पिटी होगी, जो तुमने सुना ही होगा, फैकल्टीज ने बोला होगा वो तुमने माना नहीं होगा, अवार्ड शिवानी। ये सच है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है चीज कि वो शिवानी ने, मतलब उस शिवानी से मैं नंबर मिल जाएंगे, मानता हूँ नंबर मिल जाएंगे, बट यू कांट स्टडी इट वेल, बिकॉज वो मतलब व्हेन यू विल, तुम जब अपने करियर में आगे जाओगे तुम देखेगा, जब तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या इंटरव्यू में जाओगे तो वो पतली सी शिवानी से कुछ नहीं आने वाला। वो मोटी बर्डन बुक जो तुमने अपने साइड में रखा हुआ, दूर मिट्टी रखा होगा ना, उसमें से आएगा। जो तुमने दूर मिट्टी रखा हुआ है ऐसा, तो उसके कारण तुम उसको बर्डन मान कर नहीं पढ़ोगे। पर जब तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाओगे ना, तुम मानोगे कि तुम मुझे वो बुक भी पढ़ना है, तो तुम्हारे लिए बर्डन हो जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं था, तो मैं जैसे मतलब होता था तो मैं उसमें से पढ़ता था। मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि जब मेरा कोचिंग का गेट कोचिंग रहता था, M1 का पार्ट था, M1 का पार्ट मैंने शिवानी से पढ़ा था। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था फर्स्ट ईयर में। वो पेपर बिगड़ गया और मैं समझ गया कि मैं शिवानी के लिए मैं नहीं बना तो मुझे बुक से ही पढ़ना है। और जब गेट कोचिंग में पढ़ाया गया तब मेरे लिए वो पार्ट बिल्कुल नहीं आता, तो मुझे वापस बुक में आना पड़ा। वो अपना कौन सा अजय नायंगा, उसमें से पढ़ा मैंने, तो फिर टाइम गया। पर अगर तो बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी चैप्टर्स मैंने बुक से पढ़ाए थे, तो मेरे कॉन्सेप्ट ठीक थे। तो गेट कोचिंग में तुम जाओगे तो तुम्हें फॉर्मूलेस देंगे, फॉर्मूले से कॉन्सेप्ट क्या है वो बुक में मिलेगा, शिवानी में नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि हमेशा बुक से पढ़ना चाहिए। और सेकेंडली कंटिन्यू करके बोलता हूँ कि मैं हमेशा सिलेबस पूरा ख़त्म करता था। मतलब मैं, मुझे वो गिल्ट होता था कि मैं पूरा नहीं पढ़ पाया तो मुझे बेकार लगेगा, ऐसा पता नहीं अलग ही था। तो मैं पूरा सिलेबस पढ़ता था, तो इसके कारण मुझे गिल्ट नहीं रहा कि मुझे कुछ नहीं आता। मुझे मानना तो याद नहीं होगा, बस मुझे हल्का सा रिवाइज माना ब्रशअप, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं होता, और तुम्हारे इंटरव्यू सब में भी काम आएगा वो चीज़। तो ऑलवेज वो मतलब अवार्ड शिवानी एंड स्टडी वेल, मतलब पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करो। मैं तो लोगों को बोलता हूँ तुम अपडेट भी करो अपने आप को, मैंने नहीं किया पर तुम लोग करो, अच्छी बात है। सो बिकॉज मैं इतना कहूँगा कि स्कोर वेल भी तुम्हारा मर्जी है और स्टडी वेल भी तुम्हारी मर्जी है, तुम ही देखो। थैंक यू सर। सर, सेकंड क्वेश्चन है कि आपकी जो कॉलेज लाइफ में, उसमें सीनियर का क्या इम्पोर्टेंस रहा, आपके जो सीनियर्स थे उनका? सीनियर्स फर्स्ट ईयर में जब सीनियर्स थे तो उनका नाम का कॉफ था, मतलब अभी तुमको पता नहीं हो, तुम्हें घर पे हो, एनवायरमेंट तुम पता नहीं है। जब हम कॉलेज में थे तुम्हारे लिए फर्स्ट ईयर में सीनियर से खौफ था, और चाइल्डिश वे में लगता था कि सीरियस गंदे होते, बुरे होते हैं जो भी फलाना टीम का। पर धीरे धीरे समझ में आया कि जिस तरीके से हमारा मतलब अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, या हमको हॉबीज दिखाओ बताने बोल रहे हैं, मतलब बात स्पीक करने बोल रहे हैं, वो तुम्हारे ही भलाई के लिए था कि तुम आगे तुम्हारे अंडर कॉन्फिडेंट ना रहो। ऐसे ही और इस इंटरेक्शन, इस क्या बोलते हैं, दबदबा या बोले, रेस्पेक्ट के बोले जो भी है, इससे कार्य इंटरेक्शन सीनियर से बहुत ज़्यादा रहा। मेरे दोस्त जो बाकी प्राइवेट कॉलेज में हैं, उनको सीनियर का एक नाम नहीं पता, वो करते क्या है, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो सीनियर्स का रोल बहुत ज़्यादा है कि जब तुम आगे आगे जाओगे तो सीनियर्स ही तुम्हें गाइड करेंगे कि कैसे क्या करना है, क्योंकि दे हैव एक्सपीरियंस दैट, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। और तो ये वही बात है, और जब तुम मौका मिला तुम शो योर टैलेंट, जैसे कि मुझे लगता है ऐसा कि फर्स्ट ईयर में जब आया हुआ था हमारा कॉलेज का जो फेस्ट होता है, उसमें मैंने एथलेटिक्स में अच्छा कर लिया था, तो सीनियर्स ने मुझे बहुत मिले, ऐसे बात किया उससे, और ऐसे करते करते सीनियर से बात करने लग गए स्टार्टिंग। और ऐसे में हम लोग रोज फुटबॉल खेलते थे सीनियर्स का, तो शाम को जब खत्म होता मस्त चैटिंग करते, चाय वाय पीते, सीनियर्स मस्त खिलाते हैं
तो सब बातें होती है, तो ऐसे ही सीनियर्स का बहुत रोल होता है तुम्हारे आगे लाइफ में भी होगा। अब मैं जैसे मैं एमटेक कर रहा हूँ, एमटेक में मैं एकदम 16 पास आउट के सीनियर से बात कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसा, तो वो दे विल गाइड यू बिकॉज दे नो दैट वर्ल्ड कंफ्यूजन, वर्ल्ड बहुत कंफ्यूजन है, ये भी सही है वो भी सही है, पर सही गाइडेंस सीनियर दे सकते हैं अगर तुम राइट अप्रोच मारो तो। सर अगला क्वेश्चन है कि जैसे आपका फोर्थ ईयर खत्म हुआ था तो आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो गेट के और कॉलेज के बाद आपके दिमाग में क्या थॉट्स थे कि आगे क्या, मतलब फोर्थ ईयर के दौरान, फोर्थ ईयर के बाद? फोर्थ ईयर के बाद मतलब मेरे पास एक गेट स्कोर कार्ड था जो मैंने तैयारी की थी अपने गेट अकेडमी के थ्रू, जो अपने कॉलेज टेक्टिव में करवाया था, तो मैंने उससे कोचिंग की, तो और उसके बाद मुझे स्कोर कार्ड था जो मेरे लिए एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं था, जो मुझे लगता था कि मेरे हार्डवर्क ही होना चाहिए था, पर उस स्कोर कार्ड से मुझे एक अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज से एमटेक मिल गया, स्ट्रक्चर डायनेमिक्स का ब्रांच मिल गया, और मेरे बीटेक में भी स्ट्रक्चर मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, तो मुझे भी इनडेप्थ नॉलेज जानना था कि बिल्डिंग में स्ट्रक्चर का क्या मेन नॉलेज जरूरी होती है, तो इस गाइडलाइन को मांगा, तो छोटा सपना होता नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है, ये सपना भी छोटे छोटे सपने होते हैं मेरे, तो उस सपने को पूरा हो रहा था, और मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं चाहूँ तो गेट वापस पढ़ सकता हूँ, मेरे पास कैपेबिलिटी थी, मैं जानता हूँ मैं कर सकता था, और या तो मैं एमटेक कर लूँ, पर मैं जितना मेरे सीनियर से मैंने बात किया है, सीनियर्स रोल इसमें भी आता है, मैंने बात बहुत सीनियर से बात किया है, सीनियर कॉर्पोरेट में जो वर्ल्ड कॉर्पोरेट जो BHL जैसे मान लो यहाँ PSU है, वहाँ पे जो जितने सीनियर मैनेजर डिप्टी मैनेजर सारे सबने PG किया है, तो एमटेक का एक रोल होता है एक चीज हमेशा याद रखना, तो अगर तुम तो इसलिए मुझे एमटेक भी करना था, और मैं ग्लैड हूँ कि मुझे अच्छा सा ये मिल गया, और मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सॉफ्टवेयर सीखे, इन डेप्थ नॉलेज जाना, तो मैं सबको एक चीज गाइडेंस बोलूंगा कि अभी बहुत ही पॉपुलर चल रहा है कि संदीप भाई जैसे प्लान भी रखना चाहिए हमेशा, पर मैं कहूँ तो बी लाइक प्रोफेसर ऑफ मनी हाइस्ट, मनी हाइस्ट का प्रोफेसर ने प्लान ए प्लान बी प्लान सी प्लान डी व्हाट नॉट सब किया, तो तुम भी प्लान रखा करो, मैंने भी बहुत सारे प्लान रखे, कोरोना के कारण सब फेल हो गया, पर मैं यूज करते आ रहा हूँ, नेक्स्ट प्लान यूज कर रहा हूँ, पर वही तुम्हारे प्लान को अपने एग्जीक्यूट करो, पैशन डालो, अगर गलती होते नेक्स्ट प्लान में जाओ, सो इट्स नाइस। सर अगला क्वेश्चन है कि इफ TQ इज स्टिल रनिंग देन व्हाट वाज द इनटेक ऑफ TQ फॉर yours, और मतलब आपको ऐसा लगता है कि TQ ने आपकी कॉलेज लाइफ में कुछ चेंज लाया है आपकी स्टडीज में, TQ फैकल्टीज में? कुछ नहीं, मतलब बहुत बोलूंगा मैं, क्योंकि उस TQ के कारण ही मैं थर्ड या फोर्थ ईयर में अपने मतलब इंदौर या शिफ्ट नहीं हुआ, मेरी जी कोचिंग जो होती है, मतलब TechCube फैकल्टीज ने मुझे इतना इंप्रेस कर लिया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो TechCube के थ्रू ला रहे थे, लैब्स में जो एक्सपेरिमेंट रियली हो रही थी, पहले सब बुरा खराब था, पर जैसे वो आया तो एक्सपेरिमेंट्स हुए, हमने वो सेमिनार अटेंड किए, तो वो उन्होंने बहुत मुझे इंप्रेस टाइप किया, और तुम भी देखोगे अगर सिविल डिपार्टमेंट के मैं बोलूँगा TechCube फैकल्टीज वेर द बेस्ट, मैं सच बोलूँगा सिविल डिपार्टमेंट के लिए, और सिविल डिपार्टमेंट ने TechCube की तरफ से लाइब्रेरी आया सिविल वालों के लिए, सिविल इंजीनियर सोसाइटी हुआ, सोसाइटी की तरफ ने बहुत कुछ किया, तो ऐसे सब होता है, और TechCube के थ्रू तुम प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, फंड वो जो लैक्स और लैक फंडर्स डेडिकेशन था और उनका प्रोजेक्ट भी अच्छा था, तो उन्होंने फंड्स के थ्रू यूज़ किया, और हमने अपने बहुत घूमा भी, हमने जैसे कि जी औरंगाबाद टेक्सास में हमने अटेंड किया, NIT सूरत गए, एजुकेशनल टूर होता है, पर साइड साइड तुम अपने भी घूम सकते हो, हमने शिरडी साई बाबा घूमा, ये सब क्या बोलते हैं एलोरा केव्स, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो मैं तो इतना कहूँगा इतना मेमोरेबल ट्रिप और इतना दोस्तों के साथ और इतना सस्ता लेकिन मैं ट्रिप भी नहीं देगा एक चीज़ याद रखना, तो TechCube फंड्स वो अच्छे हैं, और सिमिलर गेट कोचिंग हमारे लिए कोचिंग था ही नहीं, हम दोस्तों के लिए, हमारे लिए क्या था, कॉलेज खत्म हुआ 10 में कैंटीन में गए चाय समोसा खाया वापस आ गए, और वो हमारे लिए मस्ती था, मस्ती कर रहे और पढ़ भी रहे, तो ऐसा कभी लगा नहीं कि वो गेट अकेडमी ने कोचिंग हमारे लिए TechCube ने करवाया, वो कोचिंग था, वो हमारे लिए एक टाइप का तीसरा घर ही था, और लास्ट में बोलूँगा TechCube के कारण ही हो सकता है कि मुझे अपना कॉलेज लाइफ मजा है, क्योंकि दोस्तों के साथ रात में फुटबॉल खेलना है, शाम को फुटबॉल खेलना तभी पॉसिबल था, मतलब कॉलेज जैसे कोचिंग खत्म हो रहा 10 बजे हम लोग महानंदा ग्राउंड में फुटबॉल खेल देते, तो उसके थ्रू ही हम हो पाया, तो मैं TechCube प्रोडक्ट हूँ। सर आखिरी क्वेश्चन आपके बारे में कि लाइफ, मैं इतना चीज कहूँगा कि मुझे अभी तक
फर्स्ट डे जब मैं कॉलेज में एंटर किया था वो ब्लू जीन्स और ब्लू शर्ट में, मतलब मैं अपना कोई ओवर कॉन्फिडेंट गाय जो अपना स्टूडेंट ऑफ द ईयर में सिद्धार्थ अपना समझता था ना, मैं अपना सिद्धार्थ और कॉलेज को स्टूडेंट ऑफ द ईयर कॉलेज में मानता था। पर मैं खुश हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहर की जिंदगी जो है वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर लग्जरियस लाइफ नहीं है, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा है। यू हैव टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। तो और मुझे लगता है कि कॉलेज ने इनडायरेक्टली मुझे इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने ट्रेनिंग किया है, तो आई एम ग्लैड दैट मैं कॉलेज में था। सर एट द एंड मैं कहना चाहूंगा कि आप आपके जूनियर्स या मेरे कलीग्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए, मतलब बेटर करने के लिए इन चार सालों में। इन चार सालों में बेटर करने के लिए तो मैं एक चीज बोलूंगा कि मैं जानता हूँ कि कॉलेज, मैं खुद एक एमटेक कर रहा हूँ, मुझे पता ही बंद दीवारों में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, पढ़ाई नहीं होगी और मस्ती भी नहीं होगी। जो कॉलेज तुम्हें देगा वो तुम्हें स्कूल शायद ही दे। तो कॉलेज के चार साल जो होते हैं ना, कोशिश करना कि अपने दोस्तों से बहुत मस्ती करना, क्योंकि बोलते हैं ना अभिषेक उपमन्यु बोलता है ये चीज़ बड़े होकर यादें बन के आती है, और वो सच है। आज हम दोस्तों से बात करते सोचते हैं कॉलेज लाइफ कितना मस्त है ऐसा। तो इंजॉय पढ़ाई भी करो, मस्ती भी करो, मौज भी करो, क्योंकि ये चार साल बाद में तुम मुश्किल होगा, हमेशा याद रखना। और मैं सबको बोलूँगा अभी स्टे सेफ, कोरोना है, बाहर मत निकलो, जब कॉलेज बुलाएगा तब जाओ मस्ती करो। सर सबके यूएसी न्यूज और सबके बिहाफ पे मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने आपके बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू, मुझे बोलने का मन था और आपने दिया, थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूएसी न्यूज रोजाना।